नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ साहिबा। भाजपा शासित मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमलावर या आतंकी पुलिस की वर्दी में आते हैं और किसी न किसी गांव को टारगेट करते हैं। उनके पास पुलिस वाली जिप्सी गाड़ी भी है जिसे ग्रामीण पुलिस वाहन समझकर रास्ता देते हैं, लेकिन जवाब में गोलियों की बौछार हो रही है। पुलिस और आरबीआई की वर्दी पहने लोगों ने शुक्रवार को भी मणिपुर में फिर हिंसा की। इस बार कांगपोकली जिले को निशाना बनाया गया। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला समेत 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। मणिपुर का हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वायुसेना प्रमुख ने दौरा किया था, लेकिन मणिपुर के हालात संभल नहीं रहे हैं। राज्य में मेईती और कुकी लोगों के बीच पिछले 2 महीनों से संघर्ष चल रहा है। भाजपा शासित इस राज्य में इतनी जातीय हिंसा कभी नहीं हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह के इस बयान के कुछ देर बाद हुआ कि राज्य में 48 घंटे से हिंसा नहीं हुई। पिछले 1 महीने से अधिक समय से जातीय संघर्षों ने राज्य को हिलाकर रख दिया है। कुकी लोगों की बस्ती खोकेन गांव के निवासियों ने आरोप लगाया कि हथियार बंद लोग सुबह करीब 4 बजे आए और गांव में करीब 2 घंटे तक रुके रहे और गोलियां चलाई। पुलिस ने 3 लोगों के मारे जाने और 2 के घायल होने की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने घटना का विवरण नहीं दिया। खोकेन इम्फाल पश्चिम के साथ कांगपोकपी जिले की सीमा पर स्थित है। इम्फाल पश्चिम जिले के अंतर्गत आने वाले संघाई थेल से ये गांव महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। खोकेन के निवासियों ने मारे गए 3 लोगों की पहचान 65 वर्षीय डोंगखोहुई, 52 वर्षीय खाई जामंग गुइते और 40 वर्षीय जंगपाओ थोकांग के रूप में की है। इंडियन एक्सप्रेस को गाँव के निवासी और डोंगखोई के छोटे भाई थोंग कुप डोंगल ने कहा है कि तड़के ही करीब 40 लोग गांव में दाखिल हुए थे। वो आरामबाई तेंगोल के सदस्यों और पुलिस और आरबीआई की वर्दी में थे। आते ही उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। करीब 2 घंटे तक फायरिंग चलती रही। हमने गांव खाली किया और नजदीकी सीआरपीएफ कैंप गए और उन्हें जानकारी दी। सीआरपीएफ और गोरखा रेजिडेंट के गांव में आने के बाद ही हमलावर निकले। वो 5 जिप्सी में निकले जिन्हें हमने देखा कि वो पुलिस वाहन थे। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम यानी ITLF ने आरोप लगाया है कि यह हमला सेना की वर्दी में छिपे घाटी के विद्रोहियों द्वारा किया गया था। फोरम ने यह भी कहा कि मारे गए लोग नागरिक थे। आदिवासी संगठन ने यह कहा कि कुकी जो ग्रामीणों ने हमलावरों के इसलिए पहचान पर संदेह नहीं किया, ये मानते हुए कि यह एक तलाशी अभियान था। उन्होंने रास्ता दिया लेकिन ऑटोमेटिक राइफल से फायर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीणों की दुखद मौत हो गई। वहीं घटना के जवाब में जनजातीय एकता सदर हिल समिति, जिसने पहले आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही की अनुमति देने के लिए NH2 पर नाकाबंदी हटाने का फैसला किया था, उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग को फिर से बंद करने का फैसला कर दिया। इस बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 6 FIR फिर से दर्ज की और 1 DIG रैंक अधिकारी के तहत एक विशेष जांच दल SIT का भी गठन किया गया है, जो मणिपुर में मेईती और कुकी के बीच जातीय हिंसा से संबंधित मामलों की जांच के लिए है, जिसमें लगभग 100 लोगों की जान चली गई। SIT में 10 अधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है और सवाल यहां पर यह पड़ा खड़ा होता है कि 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी यहां पर जो जातीय हिंसा हो रही है वो आखिर थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है। इस पर कोई ठोस कदम क्या वाकई बहुत जल्द उठाने की जरूरत है जो अभी तक नहीं उठाया गया है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ रियल एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।